अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है
और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या तो इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं,
वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।